Hello students, today's topic is small basic. Small basic basic programming language की तरह ही है जैसे आपने पहले पढ़ा था, ठीक है, या नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाएंगे। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले बेसिक्स क्या है, स्मॉल बेसिक क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो स्मॉल बेसिक सबसे पहले ये जानिए कि एमएस स्मॉल बेसिक, एमएस मीन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, ठीक है। तो स्मॉल बेसिक इज ए फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज एन इम्प्रूव्ड एंड सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ बेसिक लैंग्वेज, जो पहले बेसिक लैंग्वेज चलता था माइक्रोसॉफ्ट का, उसी का एडवांस वर्जन है एमएस स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिक आप जान रहे हैं, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो बिगिनर्स है, जो प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिए स्टार्टिंग में बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लैंग्वेज की खोज इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने की और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया एमएस स्मॉल बेसिक। बेसिक के बाद थोड़ा सा एडवांस वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इसने 2008 में इसको लॉन्च किया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि बेसिक जो है वर्जन ऑफ जिसके जो विजन है स्मॉल बेसिक का, जो विजन है क्या क्या विजन है, क्यों स्मॉल बेसिक सॉफ्टवेयर को बनाया गया। तो सबसे पहले इसके विजन के बारे में जानेंगे। इसका विजन है इट्स सिंपल, ये विजन, स्टेडियम विजन की बात करें, विजन की बात करें तो ये पहला विजन यदि लेते हैं तो इट्स सिंपल, बहुत आसान है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी पॉइंट्स की यदि बात करें, इट्स फन, मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के लिए मुझे इतना मेहनत नहीं करना है, हमको सिर्फ फन है, खेलते कूदते इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टडी करना है। थर्ड पॉइंट इसका यदि हम बात करें तो इट्स सोशल, सोशल है, ठीक है। और चौथे पॉइंट्स की बात करें, इट्स ग्रेजुअल, वंस यू लर्न द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग विद स्मॉल बेसिक इट इज इजी टू एक्सपोर्ट योर कोड। अब फोर्थ पॉइंट की यदि बात करें तो यह है इट्स ग्रेजुअल, दैट मीन्स कि यदि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जान जाते हो बेसिक की, तो आप फिर विजुअल बेसिक्स में प्रोग्रामिंग कोड कर सकते हो इजिली। अब हम आगे चलेंगे इसकी कि हम सबसे पहले एमएस स्मॉल बेसिक्स को स्टार्ट कैसे करेंगे। आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैब होगा, उस लैब में स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स जो है उस स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे वो। तो स्टार्टिंग स्मॉल बेसिक्स में सबसे पहले क्लिक करेंगे टू स्टार्ट स्मॉल बेसिक स्टेप्स, स्टेप्स वन में क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, सेकेंड स्टेप क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है, क्लिक ऑन स्मॉल बेसिक फोल्डर, क्लिक ऑन स्मॉल बेसिक फोल्डर स्टेप फोर, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक, आप
option. Then you will see the small basic main screen appears. The small basic main screen इस तरह से appears होगा. आप इसको note कर लें, फिर आप screen बनाकर दिखाते हैं आपको इस तरह से screen appear होगा. ठीक है, तो small basics का screen जो है ये इस तरह से होगा. इस तरह से स्मॉल बेसिक्स का स्क्रीन होगा. इस स्क्रीन में आपका जैसे एमएस वर्ड का स्क्रीन होता है या वर्ड पैड का स्क्रीन होता है उसी तरह लगभग ये स्क्रीन होता है. इस तरह से यहाँ फोल्डर्स बने होते हैं, फोल्डर्स का ऑप्शन होता है, सेव का ऑप्शन होता है. ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शंस होता है. एक यहां से स्मॉल विंडोज होता है. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो ऑप्शंस होता है. बहुत सारे यहाँ पे और भी टूल्स होते हैं. ठीक है, और इस पोर्शंस को हम कहते हैं टाइटल बार. क्या कहते हैं? टाइटल बार, टाइटल बार. इसको यहाँ पर जो और सारे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं इसको कहते हैं टूल बार. ठीक है, ये यहाँ पर जो एरिया होता है थोड़ा सेंटर होता है, ये होता है हेल्प एरिया. ठीक है, ये हो गया हेल्प एरिया. ठीक है, और यहाँ पर जो रहता है ये वाला जो विंडो होता है इसको हम लोग कहते हैं एडिटर विंडो, जहाँ पर हम कोड को टाइप करते हैं. उसके बाद ये सारे इस सभी को हम लोग कहते हैं ग्रुप. क्या कहते हैं? ग्रुप. तो इन सभी चीज का जो नाम है तो ये क्या हो गया? कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक्स. ये सारे चीज क्या हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक. ठीक है, प्यारे बच्चे समझ गए कि एक विंडोज खुलेगा जब हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल बेसिक को. तो स्मॉल बेसिक्स का जो विंडो होगा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? तो एडिटर होगा, ग्रुप होगा, टाइटल बार होगा, टूल बार होगा और हेल्प एरिया होगा. इस तरह से हम इस विंडोज के बारे में जान गए. इसके आगे की जो स्टडी है वो हम करेंगे कि कुछ बातें जानेंगे. कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे. और सबसे पहले किसी चीज को समझने के लिए एक हम स्मॉल क्यू बेसिक का प्रोग्राम सीखेंगे. स्मॉल बेसिक का प्रोग्राम सीखेंगे और स्मॉल बेसिक का प्रोग्राम को कैसे सेव करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ठीक है.